हरितालिका तीज के दिन महिलाओं ने बेतिहाता स्थित हनुमान मंदिर पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा अर्चना किया। आपको बता दें कि हरितालिका तीज पर व्रत रही सुहागिन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज के त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस तीज में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं तथा तीज के दिन शाम के समय महिलाएं श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती हैं। हरितालिका तीज व्रत रखने और पूजा करने से सौभाग्य व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिसके संबंध में पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि भगवान शिव के लंबी आयु के लिए माता पार्वती ने व्रत रखा था, इसलिए सारी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और बताया कि हरितालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती को पीला वस्त्र, दही, शहद, दूध, धतूरा, सिमी के पत्ते, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, दुर्वा, कपूर, गंगा जल, फलाहार, मिठाई और 16 सिंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तीज व्रती एवं पूजा करने आई महिलाओं ने कहा, बढ़ते रहे भैया, खड़े मत रहिए, जो बढ़ते रहिए। इधर आगे चढ़ाइए, पूजा करें, बढ़ते रहिए। भैया अपने शिखर की सुरक्षा अपने आप करिए, आप लोग चढ़ाइए उस पे इधर चढ़ाइए। हम अपने पति के लिए रहते हैं जो शिव शंकर के लिए गौरी जी ने रखा था और उन्होंने रखा था और हम सब उनको देख के या उनसे ये सीख लेते हुए अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ ये व्रत रहते हैं। तीज का व्रत गौरी माता ने पार्वती शंकर जी के लिए रखा था, जिनको देखते हुए हम सारी औरतें भी ये व्रत रहती हैं और ये चाहती हैं कि हमारे पति शिव शंकर के जैसे रहें और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति और हम जितनी भी औरतें ये व्रत रहती हैं सबका सुहाग। डिम्पल जी, आज के दिन माता पार्वती ने बहुत तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, इसीलिए हम लोग भी वही करते हैं। क्या होता है आजकल, किस तरह का व्रत रखा जाता है? ये हरियाली तीज है इसीलिए व्रत रखा है जी, वो 24 घंटे की व्रत होती है। किसकी पूजा की जाती है, क्या क्या चढ़ाया जाता है? भोलेनाथ की पूजा की जाती है, बिलपत्र और धतूरे सब जनेऊ सब चढ़ाया जाता है। मैं सुनीता देवी बोल रही हूँ और मैं शिव जी के मंदिर के सामने आई हूँ वहाँ पे पूजा करने के लिए भोलेनाथ पार्वती जी का। और तीज व्रत हम लोग हैं अपने पति के लिए, तीज व्रत सब लोग रहते हैं, शिव पार्वती जी का पूजा करते हैं और 24 घंटा व्रत रह जाता है, उसके बाद तब पारण किया जाता है। हम माधुरी देवी, तीज का यही मत है कि जैसे यहाँ पति अपने पत्नी अपने पतियों के लिए माने दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, लंबी आयु के लिए, और इसमें सभी पूजा शिव पार्वती का पूजा किया जाता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, और इसमें बेलपत्र जैसे शिव भगवान को जैसे बेलपत्र है और फूल माला ये सब उनको चढ़ाया जाता है। पूजा शंकर भगवान के लिए पार्वती माता ने लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, तो इसलिए औरतें सारी सुहागिनी औरतें लंबी अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। किसी पूजा होती है आज के दिन और भगवान शंकर जी का और पार्वती माता का क्या चढ़ाया जाता है? बेलपत्र, फूल, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अगरबत्ती, कपूर, आरती किया जाता है। शिखा सिंह,
तीज व्रत पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है, इसलिए हमने भी रखा है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान की, शंकर भगवान की पूजा की। क्या महत्व होता है तीज? अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। धतूरा है, भांग है, फूल है, सुहाग का सब सेट होता है, यही सब चढ़ाया जाता है।